मध्य प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। सिवनी जिले में भीषण बारिश की वजह से कई नदी नाले उफान पर हैं। इसी बीच एक दंपत्ति बाढ़ में फंस गए, जान बचाने के लिए दोनों पेड़ पर चढ़ गए, जिसके बाद SDRF की टीम ने उन्हें रेस्क्यू किया। सिवनी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। पूरे क्षेत्र जलमग्न हो गया है। यहाँ खेत में काम करके लौट रहे पति पत्नी नाले के तेज बहाव में फंस गए। पहले दोनों ने नाले को पार करने की कोशिश की, लेकिन बीच में आते आते नाले का जलस्तर बढ़ गया तो दोनों ने पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई। घटना सिवनी के बंडोल थाना क्षेत्र के मुआरी खापा गांव की है। इस बात की जानकारी जैसे ही प्रशासन को लगी, वैसे ही सिवनी SDM और बंडोल थाना प्रभारी के साथ SDRF की टीम मौके पर पहुंची। SDRF के जवानों ने नाले के तेज बहाव के बीच अपनी मोटर बोट उतारी और पेड़ के पास जाकर पति पत्नी को रेस्क्यू किया। बता दें कि लगातार हो रही बारिश के चलते बेनगंगा नदी के किनारे स्थित मंदिर और दुकानें पूरी तरह से पानी में डूब गई हैं। बाढ़ के पानी से बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर भी गिर पड़े हैं, जिसके कई इलाकों में बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। भारी बारिश के चलते मंगलवार को स्कूल की छुट्टी भी घोषित कर दी गई है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।